पश्चिम बंगाल के जिला अलीपुरद्वार ब्लॉक कालचीनी के राजाभात चाबागान में रहने वाले हरि तमंग उम्र 71 वर्ष पेंशन के लिए उन्होंने 2015 में आवेदन दिया था, लेकिन पेंशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। नवंबर 9 2016 को आमरण अनशन में बैठे हैं गारोपाड़ा ग्राम पंचायत ऑफिस कार्यालय में। मैं तो अभी घर रोटी और मकान चाहता हूँ। पौष्टिक आहार की कमी और उचित डॉक्टरी इलाज की कमी से हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत कमज़ोर हो गए। शारीरिक बुढ़िया तो मौत के कगार पर खड़ी है। रेशन छुड़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। मैं अभी चंदा लेकर राशन छुड़ा के आ रहा हूँ। हरि तमंग राजा भातखावा चा बागान के गोदाम लाइन में अपनी बीमार पत्नी के साथ रहते हैं। वृद्ध होने के कारण दोनों काम या रोजगार करने में असक्षम है। अभी तक कुछ नहीं मिला, सरकारी गैर सरकारी राजनीतिक पार्टी कोई प्रशासन से कुछ भी नहीं मिला। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम एवं आदिवासियों के लिए एसटी पेंशन मिलना चाहिए। 2015 में हरि तमंग आवेदन किया था, पर कार्रवाई वहीं के वहीं रह गई। पेंशन वेंशन कुछ मिलता है आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इसके लिए आप प्रशासन से किसके किसके पास बात किए हैं? एसडीओ, एडीएम, डीएम, आदिवासी कल्याण मंत्री और एमपी, एमएलए, बीडीओ को, पुलिस थाना को दे चुका हूँ। यही उन लोगों ने रिसीव किया। अब क्या होगा, क्या करेंगे वही जाने। एक लिखित पत्र में आमरण अनशन 9 नवंबर में शुरू करने की जानकारी उन्होंने पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान कालचीनी, वीडियो ऑफिसर इंचार्ज कालचीनी थाना को लिखित रूप में दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहले भी दो बार मैं आवेदन कर चुका हूँ, दे चुका हूँ जी, और इस बार भी दे रहा हूँ जी, और जब तक मेरा समस्या समाधान अगर नहीं होगा जी, तो मैं आमरण अनशन के में बैठने के लिए तैयार हूँ। यही मेरी अंतिम इरादा है। 10 बजे 9 नवंबर 2016 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। वीडियो कालचीनी से सीआई धीरज सुब्बा ने आश्वासन दिया। वो ये जो प्रॉब्लम था, अनशन कर रहा था, ये सोल्व हो गया है। जीपी से भी मदद करेगा, ठीक है, और हमारे ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी मदद होगी, उनको स्पेशल जीआर भी मिलेगा, ठीक है, और अभी जो पंचायत से भी बोला गया है कि उनका भी फिनेंशियल जो भी हो यहाँ से मदद मिलेगा। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर कालू लामा ने भी आश्वासन दिया और साथ ही अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। महीना में एक बार जो नॉर्मली हम लोग स्पेशल जीआर दिया जाता है, वो हम लोग कंटिन्यूस उनको हर एक महीना एवरी मंथ हम लोग दिया देंगे, और बीच बीच में हम लोग केस जीआर हो तो केस जीआर का भी सहूलत दे देंगे। प्लस उनको यदि अब ठंडा महीना लग रहा है, उनको ब्लैंकेट हुआ, कपड़ा हुआ, कुछ हम लोग देने का व्यवस्था करेंगे। उन लोग का मैंने इसके मुताबिक हम लोग देते रहेंगे। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि हरि तमंग को जल्द से जल्द एसटी पेंशन दिया जाए। इसके लिए फ़ोन कर आवेदन करें कालचीनी वीडियो एलसी शेरपा 9434746850 नंबर में। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।